मुखालिफीन मुझे खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि 6 माह कबल साजिश के जरिए PTI की हुकूमत को हटाया गया। सियासी हरीफों का ख्याल था कि हुकूमत गिराने के बाद पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्होंने गलत सोचा। हुकूमत छोड़ने के बाद PTI की मकबूलियत में मजीद इजाफा हुआ। जर्मन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन में खरीदो फरोख्त और हुकूमती धांधली के बावजूद 37 सीटों में से 29 सीटों पर PTI ने कामयाबी हासिल की। कप्तान ने कहा कि PTI की आवाम में मकबूलियत के बायस मुखालफिन को खौफ है, इसीलिए इंतखाबात नहीं करवा रहे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इलेक्शन हुए तो ये लोग बुरी तरह नाकाम हो जाएंगे। PTI चेयरमैन ने कहा कि मुखालफिन मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए वो अब मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। इमरान ने कहा कि PTI की हुकूमत में ओपोजिशन ने 3 लॉन्ग मार्च किए, लेकिन हमारी हुकूमत में किसी को भी एहतजाज से नहीं रोका गया। हम मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए एहतजाज कर रहे हैं, जो हमारा जमहूरी हक है। उन्होंने कहा कि एहतजाज सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, जर्मनी समेत पूरे यूरोप में होते हैं। मुझे एक दिन जाने से पहले पता चल गया था मुझे मारने का। PTI का हकीकी आजादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आजादी मार्च। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।